हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई पढ़ाई तो चल रही होंगी। देखो दो एग्जाम्स है आपके सामने, जैसे कि एक फर्स्ट इज नॉर्सेट एंड सेकंड वन इज आरआरबी। नॉर्सेट की तो डेट भी अनाउंस हो गया है, सो नॉर्सेट तो हम लोगों को क्रैक करनी है। अगर नॉर्सेट नहीं होता है सो वी हैव अ सेकंड चांस, दैट इज आरआरबी एग्जाम्स। तो दोनों में से कोई भी चांस हम लोगों को गंवाना नहीं है। रेलवे की वैकेंसीज का बहुत सालों से इंतजार था। 2019 में लास्ट एग्जाम हुई थी और अभी आई है 2024 में। आई नो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है इसमें। तो देखो आरआरबी का नोटिफिकेशन तो आ गया है और वो हमारे चैनल पे डिस्कस भी किया है, बट स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आज बात करने आई हूँ आरआरबी के जोन वाइज वैकेंसी से रिलेटेड। जोन वाइज मतलब उन्होंने एक पूरी लिस्ट डिस्प्ले की है कि कौन से जोन में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो आपके स्क्रीन पे जोन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सब है, मेंशन किया हुआ है। आपको जो भी प्रिफर होता है, मीन्स आपको जो भी जोन कंफर्टेबल है, आप उस जोन में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। okay. अभी आप सभी की पढ़ाई चल रही है तो चलो एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको उसका आंसर देना है कमेंट में। चलो मैं क्वेश्चन बताती हूँ, देख लो। क्वेश्चन है, क्लाइंट वॉज एडमिटेड फॉर MI एंड डेवलप्स कार्डियोजेनिक शॉक। विच कैरेक्टरिस्टिक साइन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व। ओके, योर ऑप्शन आर ओलिगोयूरिया, फीवर, एलिवेटेड बीपी एंड ब्रैडीकार्डिया। सो आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। देखो वन मोर क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट, मतलब जो भी लोगों को एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन चाहिए आरआरबी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में यस लिखिए। मतलब हम लोगों को समझेगा कि कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है क्लासेस के लिए। चलो थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।